जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2022 में आई एक कैनिबल फिल्म फ्रेश के बारे में। दोस्तों फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें नोआ नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि बहुत सालों से सिंगल थी और उसने एक डेटिंग साइट से एक लड़के से डेट फिक्स कर रखी थी। उससे मिलने के लिए वो रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ वो उससे बातें करती है, लेकिन उसे देखकर हम समझ पाते हैं कि उसका उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। कुछ देर बाद वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं तो वो लड़का उसे हग करने की कोशिश करता है। ये देख के नोआ उससे कहती है कि वो उसे अगली बार नहीं मिल सकती क्योंकि उसकी बातें उसे जरा भी इंटरेस्टिंग नहीं लगी। इसमें भी लड़का उससे कहता है कि वो उसके टाइप की नहीं है और वो सब बस ड्रामे कर रहा था, और ये कहकर वो उसे गाली देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन नोआ जिम में जाती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड मलिसा को सारी बात बताती है, तो मलिसा उससे कहती है कि आजकल के लड़के काफी ज्यादा ईगोइस्टिक हो गए हैं। रात को नोआ अपने घर में काम कर रही होती है तो उसे एक बंदे का टेक्स्ट आता है। ये देख के नोआ उससे बात करने लगती है तो बंदा उससे पिक्स मांगता है। नोआ को इससे काफी अजीब लगता है तो वो उस बंदे को ब्लॉक कर देती है। अगले दिन नोआ ग्रोसरी स्टोर में जाती है अपने घर के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए। वहीं पे उसे स्टीव नाम का एक बंदा दिखता है जो कि उससे बातें करने लगता है। वो नोआ को कुछ चीज टेस्ट कराता है जो कि नोआ को काफी ज्यादा पसंद आता है। वो उसकी वहाँ पे तारीफ भी करता है तो नोआ उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, और जब वो उससे अपना नंबर मांगता है तो वो उसे अपना नंबर दे देती है। उसके बाद नोआ अपनी दोस्त से मिलने जाती है और वो उसे सारी बात बताती है और उसे कहती है कि वो लड़का बहुत ज्यादा चार्मिंग था इसलिए उसने उसे अपना नंबर दे दिया। उसी दोस्त से कहती है कि वो किसी भी लड़के पे ऐसे ही भरोसा ना करे। अगले दिन नोआ को स्टीव टेक्स्ट करता है और उसे रात को मिलने के लिए बुलाता है, और जब नोआ उस बार में पहुंचती है तो देखती है कि वो बारटेंडर उसकी दोस्त का एक्स बॉयफ्रेंड है। स्टीव वहाँ पे उसका स्वागत करता है और उसे पूछता है कि वो क्या लेगी, और वो दोनों मिलके वहाँ पे ड्रिंक ऑर्डर करते हैं और पीने लगते हैं। स्टीव उससे पूछता है कि उसके घर में कौन कौन है। नोआ उसे बताती है कि उसके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं है और उनके अलावा उसकी कोई भी फैमिली नहीं है। इसमें स्टीव उससे कहता है कि ये बात उन दोनों में कॉमन है, उसके ही पेरेंट्स नहीं है और वो अकेला है। उसके बाद दोनों खूब इंजॉय करते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं, और जब वो बार से बाहर निकलते हैं तो वो दोनों किस भी करते हैं। स्टीव नोआ को अपने घर में ले जाता है और नोआ उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है, लेकिन स्टीव उसे जब इनकार कर देता है तो वो उससे कहती है कि आखिर उसने उसे इनकार क्यों किया। अगली सुबह जब नोआ की आंखें खुलती हैं तो वो अपने साइड में स्टीव को सोता हुआ पाती है और वो उसकी सोते हुए फोटो ले लेती है ताकि वो अपने दोस्त को उसे भेज सके। जब अपने घर पर जाती है तो वो अपनी दोस्त को सारी बात बताती है और उसे कहती है कि स्टीव उसे बहुत ज्यादा पसंद आया। उसे ये भी बताती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड कल उनका बारटेंडर था और उसने उन्हें बहुत सारी बढ़िया ड्रिंक सर्व करी जिससे उन्हें काफी ज्यादा मजा आया। अब नोआ और स्टीव के बीच नजदीकियां बढ़ती जाती हैं, और एक दिन नोआ मीट खा रही होती है तो वो स्टीव से पूछती है कि क्या वो मीट खाएगा। स्टीव उससे कहता है कि वो एनिमल का मांस बिल्कुल नहीं खाता, और इस सुनकर नोआ भी उसे खाना बंद कर देती है क्योंकि उसे काफी अजीब लग रहा था। कुछ देर बाद स्टीव उससे पूछता है कि वो उसके साथ अकेले कहीं पे वक्त बिताना चाहता है, तो नोआ राजी हो जाती है और उससे कहती है कि आखिर वो उसे कहाँ ले जाएगा। स्टीव उससे कहता है कि ये सरप्राइज है तो वो तैयार रहे। अगले दिन नोआ तैयार हो जाती है और अपनी दोस्त को उसकी फोटो भेजती है। ये देखकर मलिसा उससे कहती है कि आखिर वो उसके साथ कहाँ पे जा रही है। नोआ उससे कहती है कि वो उसे सरप्राइज देने वाला है, तो मलिसा उससे कहती है कि वो इतनी जल्दी उस पर विश्वास बिल्कुल ना करे, लेकिन नोआ को काफी पसंद आ गया था इसीलिए वो उसकी बात नहीं सुनती और तैयार होकर उसके साथ जाने के लिए निकल जाती है। कार में स्टीव नोआ को बताता है कि वो उसे सरप्राइज अभी बता रहा है। वो लोग कॉटेज ग्रूव जा रहे हैं और वहाँ पे वो वेकेशन मनाएंगे। सुनकर नोआ खुश हो जाती है और अपनी दोस्त को इस बारे में टेक्स्ट कर देती है। जब उधर वहाँ पहुँचते हैं तो नोआ देखती है कि वो उसे सीक्रेट घर में लाया हुआ है, और अंदर जाके वो उसे ड्रिंक सर्व करता है, और नोआ वहाँ पे एक पेंटिंग को देखती है जो कि काफी अजीब थी। तभी नोआ नोटिस करती है कि वहाँ पे उसके फोन के सिग्नल नहीं आ रहे हैं, और स्टीव उससे कहता है कि वो एक अलग तरह की ड्रिंक बना रहा है जिसे पीकर वो बहुत खुश हो जाएगी। उसे ड्रिंक पिलाता है तो अचानक नोआ को काफी डिजी सा फील होने लगता है, और जब स्टीव उसे अपने पास बुलाता है तो नोआ वहीं जमीन पर गिर जाती है। जब नोआ की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है, और ये देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है और स्टीव से पूछती है कि आखिर वो क्या चाहता है। स्टीव उससे कहता है कि पहली बात तो ये सब मजाक न समझे, उसने हकीकत में उसे बंदी बना लिया है और वो उससे कुछ चीज लेने वाला है। सुनकर नोआ उससे कहती है कि क्या वो उसका शोषण करेगा, तो वो उससे कहता है कि वो उसका शोषण तो बिल्कुल नहीं करेगा। सुनकर नोआ रोने लगती है और उससे पूछती है कि आखिर वो चाहता क्या है, तो स्टीव उससे कहता है कि वो उसका मांस चाहता है। वैसे ही लड़की को पकड़ के यहाँ पे लाता है और उनका मांस बेचता है, क्योंकि ह्यूमन का मांस बेच के वो ढेर सारे पैसे कमाता है। सुनकर नोआ बहुत ज्यादा रोने लगती है और उस पर हमला करना चाहती है, लेकिन स्टीव उसे संभालता है और उससे कहता है कि उसे इसकी आदत पड़ जाएगी। इधर मलिसा नोआ को मैसेज करती है तो वो काफी अजीब से रिप्लाई कर रही थी, जिससे उसे कुछ गड़बड़ लगने लगती है और वो सोचती है कि आखिर वो कहाँ पर है। इधर नोआ जब अपने रूम में बंद होती है तो उसे बगल वाले रूम से एक लड़की की आवाज आती है, जिसका नाम पेनी था और उसे भी वो बंदी बनाकर वहाँ पर लाया था। पेनी उससे कहती है कि वो रोज उसका मांस का टुकड़ा निकालता है और उसे बेच देता है, और वो ठीक उसके साथ भी ऐसा ही करने वाला है, तो वो सतर्क रहे। नोआ उससे कहती है कि जरूर उसके फैमिली मेंबर्स उसे ढूंढ रहे होंगे, तो पेनी उसे बताती है कि वो अनाथ है और उसकी कोई भी फैमिली नहीं है। सुनकर नोआ समझ जाती है कि वो सिर्फ उन्हीं लड़कियों को शिकार बनाता है जिनकी कोई भी फैमिली नहीं होती, ताकि
उनका ट्रैक ना रहे और वो पकड़ा ना जाए। इधर मेलिसा जब ऑफिस में होती है तो उसे याद आता है कि नोआ ने एक बार बताया था कि वो लड़का डॉक्टर है, पर वो उसके नाम से डॉक्टर गूगल पे सर्च करती है, लेकिन उसे वहाँ पे स्टीव की शक्ल का कोई भी डॉक्टर नजर नहीं आता। ये देखकर वो समझ जाती है कि जरूर वहाँ पे कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो अपने दोस्त को टेक्स्ट करती है तो वो अजीब सा रिप्लाई करती है, जैसे उसे लगने लगता है कि शायद उसके फोन से कोई और रिप्लाई कर रहा है। इधर स्टीव अपने घर में गाना बजाता है और एक लड़की की कटी हुई टांग निकालता है और उसके मांस को काट के वो उसके छोटे छोटे टुकड़े करता है और उसके बाद वो उसे पैकेट में पैक करके वो डिलीवरी के लिए भेज देता है। हम देखते हैं कि उसका खाना बहुत ही अमीर लोगों के पास जाता है और उन्होंने एक गुड का साइन भी बना रखा होता है अपने मेंबर्स के लिए, क्योंकि ये दर्शाता है कि वो लोग उस कल्ट के मेंबर्स हैं। उसके बाद वो नोआ के लिए खाना लेकर आता है तो नोआ खाने से रिफ्यूज कर देती है। वो अंदर आता है और उससे कहता है कि वो उसे पसंद करता है, अगर वो खाना नहीं खाएगी तो वो बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाएगी। नोआ उससे कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है, स्टीव उसकी बात मान लेता है और उसे वॉशरूम ले जाने लगता है। रास्ते में नोआ उस पर हमला करती है वहाँ से भागने के लिए, लेकिन तभी स्टीव उसे पीटता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। जब नोआ की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को ऑपरेशन थिएटर में पाती है और स्टीव से पूछती है कि आखिर वो उसके साथ क्या कर रहा है। स्टीव उससे कहता है कि वो उसके पीछे का मांस निकाल रहा है ताकि वो उसे बेच सके। इधर मेलिसा अपने एक्स बॉयफ्रेंड बारटेंडर के पास जाती है और उससे मदद मांगती है। उसे कहती है कि उसके दोस्त बहुत दिनों से मिसिंग है तो उसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि आखिरी बार वो उसी के बार में आई थी उस बंदे के साथ। वो लड़का उससे कहता है कि इसमें वो उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो इन सब केस में पड़ेगा तो उसका मालिक उसे यहाँ से निकाल देगा। मेलिसा उससे कहती है कि उसने अपना क्रेडिट कार्ड तो यूज किया ही होगा, तो बस वो उसका नाम उसे बता दे ताकि वो उसके घर तक पहुँच सके। वो बंदा उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उसे कहता है कि उसे कुछ वक्त चाहिए वो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। इधर नोआ खाना खाती है और वो अब चल नहीं पा रही थी, क्योंकि उसका पीछे का मांस निकल चुका था और उसे काफी दर्द हो रहा था। वो उसके बारे में पेनी को बताती है तो पेनी उससे कहती है कि कल उस बंदे ने उसकी पूरी टांग ही निकाल ली। नोआ उससे कहती है कि उसे उसके साथ कभी सोना ही नहीं चाहिए था, तो पेनी उससे कहती है कि वो किस बारे में बात कर रही है। यहाँ पे जो भी लड़कियाँ आई है वो किसी के साथ भी ऐसा नहीं करता, अगर उसने उसके साथ ऐसा किया है यानी इसका मतलब ये है कि वो अलग है और वो उससे लाइक करता है। वैसे दोस्त उसका एक मैसेज करता है और उस बंदे का पूरा नाम बता देता है और वो उसकी छानबीन करने लगती है, जहाँ वो बंदा उसे फेसबुक पे मिलता है और उसे पता चलता है कि उसकी एक फैमिली भी है। अगले दिन वो उसे घर के बाहर पहुँचती है और उसे पता चलता है कि उसके बीवी और बच्चे वहाँ पे रहते हैं। वो इस बारे में अपने बॉयफ्रेंड को बताती है और उसे वहाँ का लोकेशन भी भेज देती है। इधर स्टीव नोआ से मिलने आता है और उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, तो नोआ उससे कहती है कि उसे उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नोआ उससे पूछती है कि वो उसके साथ सोया क्यों, तो वो उससे कहता है कि वो मिस्टेक थी, किसी भी लड़की का ऐसा नहीं करता, लेकिन वो काफी अलग है और वो उसे पसंद भी करता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को रोक नहीं पाया और वो उसके साथ सो गया। तभी नोआ अपनी मैगजीन में एक कोट लिखा हुआ देखती है जिसमें लिखा था कि अगर वो उसे पसंद करता है तो वो इस बात का यूज करे और उसे धोखा देके वहाँ से भाग जाए। ये पढ़ के नोआ समझ जाती है कि अब उसे क्या करना है। इधर मेलिसा अपने एक्स को लोकेशन भेज देती है और उसके बाद सीवन के घर जाती है, जहाँ उसकी बीवी उसके लिए दरवाजा खोलती है। वो उसे कहती है कि उसका नाम मेलिसा है और उसकी दोस्त गायब हो गई है और आखिरी बार उसने अपनी दोस्त को उसके पति के साथ देखा था, जो कि उसे धोखा दे रहा है और वो बाकी लड़कियों को डेट करता है। ये सुनकर उसकी बीवी उसे घर के अंदर बुलाती है उससे बात करने के लिए। इधर स्टीव जब नोआ के पास आता है तो नोआ उससे पूछती है कि आखिर इंसान का मांस खाने में कैसा लगता है, तो स्टीव उससे कहता है कि वो बहुत ज्यादा डिलीशियस होता है। ये सुनकर नोआ अपना शरीर लाती है तो स्टीव उससे पूछता है कि आखिर उसने ये सवाल क्यों पूछा, तो नोआ उसे कोई भी जवाब नहीं देती और वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। जब वो अपने घर में पहुँचता है तो देखता है कि उसकी दोस्त वहाँ पे मौजूद है और मेलिसा उससे पूछती है कि आखिर नोआ कहाँ पर है। स्टीव उससे कहता है कि उसे नहीं पता वो किस बारे में बात कर रही है, तो वो नोआ के नंबर पे कॉल करती है और तभी फोन स्टीव की जेब से बचता है, जिससे वो समझ जाती है कि उसने ही उसे किडनैप किया हुआ है। तभी स्टीव की बीवी उस पे हमला कर देती है और वो दोनों उसे बंदी बना लेते हैं, जिससे वो पता चलता है कि स्टीव की बीवी भी जानती है कि स्टीव क्या करता है और वो इस बिजनेस में पूरा उसका साथ दे रही है। रात को स्टीव नोआ के पास आता है और उससे कहता है कि वो पूछ रही थी कि वो मांस कैसा टेस्ट करता है, तो उसने आज की प्लानिंग करी हुई है जहां वो उसे अपने हाथों से वो मांस टेस्ट कराएगा। इधर मेलिसा गाइस देखता है कि मेलिसा का फोन अचानक बंद हो गया है, जिससे उसे पता चलता है कि जरूर वहाँ पे कोई गड़बड़ है, तो वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। स्टीव रात को जब अपने घर जाता है तो देखता है कि उसकी बीवी अपना चेहरा देख रही है, मानो कि वो इंसान का मांस खाती हो और भी ज्यादा सुंदर दिखने के लिए। स्टीव उससे कहता है कि आज रात वो अपने घर पे ही रुकेगा, तो वो उसका इंतजार ना करे और बच्चों को टाइम से सुला दे। ये कह के वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि उसकी बीवी की एक टांग नहीं है, जिससे हम समझ पाते हैं कि उसकी बीवी पहले उसकी एक विक्टिम थी और उसने उसे काटा था, लेकिन उसे उससे प्यार था इसीलिए उसने उसे जान से नहीं मारा। फिर स्टीव अपने किचन में जाता है और वहाँ पे इंसान का मांस तैयार करता है और उसे लेकर वो नोआ के पास पहुँचता है और उसे वो चखाता है। नोआ उससे पूछती है कि वो कितने साल का था जब उसने ये मांस खाया था, तो वो उससे कहता है कि वो 18-19 साल का था जब पहली बार उसने इंसान का मांस चखा था और तब से ही वो इंसान का मांस खाता आया है, क्योंकि उसे कोई और मांस पसंद ही नहीं आता। उसको लगा कि शायद वो दुनिया में अकेला ही है जिसे इंसान का मांस खाना पसंद है, लेकिन जब उसने पता लगाया तो उसे पता चला
वाला की ऐसी पूरी कम्युनिटी है। तो उसने फैसला किया उस कम्युनिटी को सर्व करने का, और वो लड़कियों को पकड़ के लाता है और उनका मांस खाता है और उसे बेचता भी है और उससे वो ढेर सारे पैसे कमाता है। नोआ उससे पूछती है कि आखिर वो लड़कियों को ही क्यों मारता है, तो वो उसे बताता है कि लड़कियों का मांस बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होता है और उसी की डिमांड है, तो वो सिर्फ लड़कियों को ही मारता है। उसके बाद वो उसे वो मांस चखाता है और जब वो मांस को चखती है तो उसे काफी उल्टी सी आती है, लेकिन वो उसके सामने ये जाहिर नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे यकीन दिलाना था कि वो उसे लाइक करने लगी है। डिनर के बाद वो उसे वापस अपने रूम में बंद कर देता है और वहाँ पे वो उल्टी करने लगती है। उसके बाद वो मेलिसा को ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है ताकि वो उसका मांस निकाल सके। मेलिसा उससे पूछती है कि आखिर वो उसके साथ क्या कर रहा है, तो वो उससे कहता है कि वो उसका छाती का मांस निकाल रहा है और वो उसे उसकी दोस्त को खिलाएगा। अगले दिन स्टीव नोआ के पास आता है और उसे एक ड्रेस देता है और उसे कहता है कि आज उनकी कैंडल लाइट डिनर है, तो वो अच्छी तरह तैयार होके आए। आज वो उसे अपने हाथ की डेलिकेसी खिलाने वाला है जिसे खाकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। ये सुनकर नोआ खुश हो जाती है और उसका ऑफर एक्सेप्ट करती है। कुछ देर बाद वो तैयार हो जाती है उस डिनर पे जाने के लिए और स्टीव बहुत ही खुश होता है क्योंकि वो उसे काफी पसंद किया करता था। वो दोनों वहाँ पे खूब वाइन पीते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं और तभी वो उसके सामने इंसान का मांस रखता है और उससे कहता है कि वो इसे खा कर देखे। जब नोआ उसे खाती है तो वो उससे पूछती है कि ये किसका मांस है, तो वो उसे बताता है कि ये मौली नाम की लड़की का मांस है। ये सुनकर नोआ हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिर वो ये सब नाम कहाँ से सोचता है, तो वो उससे कहता है कि वो उसे अपना एक सीक्रेट दिखाना चाहता है। उसे अपनी पेंटिंग के पास ले जाता है और उसके पीछे का नजारा दिखाता है जहाँ पे उसने अपनी सारी विक्टिम की चीजें उनकी फोटोज के साथ रखी हुई थी। नोआ देखती है कि वहाँ पे उसकी तस्वीर नहीं है, तो उससे पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया है। ये उसे बताता है कि उसकी चीजें उसने अपने पास रखी हुई है क्योंकि वो उसकी फेवरेट है और वो उसे बहुत ज्यादा पसंद है। तभी नोआ वहाँ पे अपनी दोस्त का फोन कवर देखती है जिससे वो समझ जाती है कि उसने उसकी दोस्त को भी बंदी बना रखा है। ये जान के वो टेबल पे बैठ के रोने लगती है और उससे कहती है कि वो काफी अजीब सा फील कर रही है। ये देखकर स्टीव उसे संभालता है और गले से लगा लेता है और उसे कहता है कि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। ये सुनकर नोआ उसे किस करती है और वो दोनों वहाँ पे डांस करने के बाद इंटीमेट होने लगते हैं। तभी नोआ मौका देखकर जब उसे प्लेजर देने जाती है तो वो उसका प्राइवेट पार्ट ही काट डालती है जिससे स्टीव के खून निकलने लगता है और वो जमीन पे गिर जाता है। तभी नोआ उसे रूम में लॉक कर देती है और अपनी दोस्त के पास पहुंचती है और उसे छुड़ाती है। मेलिसा उसे देख के काफी खुश हो जाती है और उसके बाद वो लोग पेनी को भी छुड़ा लेते हैं और उसके बाद वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी स्टीवन उनके सामने आ जाता है जो कि उन पे हमला कर देता है और वो उन तीनों को बुरी तरह पीटता है, लेकिन मेलिसा एक हथौड़ा उठा के उसके सर पे मार देती है, लेकिन फिर भी स्टीवन हार नहीं मानता और उससे लड़ने लगता है। तभी मेलिसा उसे धक्का दे देती है जिससे उसका सर एक दीवार पे जा टकराता है और उसके बाद तीनों घर से बाहर निकलती है और वहाँ से भागने लगती है। मेलिसा का एक्स को उस घर के लोकेशन मिलती है तो वहाँ पे पहुँच जाता है और जब वो उसे सुनसान देखता है तो वो काफी डर जाता है और सोचता है कि उसे यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये देखकर वो गाड़ी मोड़ लेता है और वहाँ से चला जाता है। तभी स्टीव अपनी गन लेकर आता है और उन लड़कियों पे शूट करने लगता है और तभी वहाँ पे उसकी बीवी अपने नौकर के साथ आ जाती है, तो ये गोली की आवाज सुन के उस घर में पहुँचते हैं जहाँ उन्हें ढेर सारा खून नजर आता है जिससे वो समझ जाते हैं कि जरूर लड़की यहाँ से भाग गई है। ये देखकर वो जंगल की ओर जाते हैं उन सबको ढूंढने के लिए और यहाँ पे स्टीव पे फिर से मेलिसा हमला कर देती है और वो तीनों मिलकर उसे जान से मार डालती है। उसके बाद तीनों एक बांध में जाके छुप जाती हैं और तभी नोआ को याद आता है कि वो अपना फोन जंगल में ही भूल गई है। ये देखकर वो मेलिसा से कहती है कि वो जंगल में जा रही है अपना फोन लेने के लिए और वो पेनी के साथ यहीं पे रहे और उसका ख्याल रखे। स्टीव की बीवी जब स्टीव की लाश को देखती है तो उसे काफी दुख होता है और जब वो नोआ को वहाँ पे पाती है तो वो उस पे हमला कर देती है। तभी नोआ अपनी जेब से चाबी निकालती है और उसे स्टैब कर देती है, लेकिन उसकी बीवी हार नहीं मानती और उस पे हमला कर देती है। तभी मेलिसा वहाँ पे आती है और एक लकड़ी उसके सर पे मार के उसका मुंह फोड़ देती है, इससे उसकी बीवी की वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बाद वो नोआ को संभालती है और नोआ पुलिस को कॉल करके वहाँ पे बुला लेती है और इसी के साथ उन तीनों की वहाँ पे जान बच जाती है। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ हम कुछ कैनिबल्स को देखते हैं जिनकी प्लेट्स खाली होती हैं, जिन्हें देखकर हम समझ पाते हैं कि अब उनके पास मांस सप्लाई बंद हो गया है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फ्रेश मूवी की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।